हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे कच्चे केले की बहुत ही स्वादिष्ट एकदम नई सब्जी की रेसिपी, जिसे खाने के बाद ना आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना ज़्यादा ये सब्जी टेस्टी बनता है और इसे बहुत ही कम समय में सिंपल तरीके से बनाएंगे, तो देर किस बात की। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम 4 कच्चा केला ले लिए हैं, वजन में 500 ग्राम जितना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम केला के छिलका निकालेंगे। तो केले के छिलके निकालने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे केले के छिलके बहुत ही इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहले दोनों साइड के पहले पार्ट को इसके कट करके हटाएंगे और इसके बीच में इस तरह से चीरा चाकू से लगाएंगे, और इसके बाद इस अंगूठा से इस तरह से पकड़ते हुए छिलके को निकाल कर हम बाहर कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही इजीली छिल जाता है, ऐसे में केला भी वेस्ट नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से छिल भी जाता है कम समय में। और इसके बाद इस केला को हम पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से क्या होगा ना, काला नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से हम सभी केले को छील कर पानी में डाल लिए, और ये देखिए बहुत ही जल्दी ये छील गया है और पानी में डालने से केला काला भी नहीं पड़ता है। तो अब हम इस केले को कद्दूकस कर लेंगे। तो इसे कद्दूकस करने के लिए यहाँ पर हम एक मीडियम छेद वाले ग्रेटर ले लिए हैं और इससे हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। केला बहुत ही जल्दी कद्दूकस हो जाता है, जैसे हम आलू कद्दूकस करते हैं ना, उसी तरह से कर लेना है। आलू से भी जल्दी ये केला कद्दूकस हो जाता है। और ये देखिए इसी तरह से हम चारों केले को कद्दूकस कर लिए हैं। तो अब हम इसमें डाल लेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देंगे। तो नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। और अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए इसको अच्छे से मिला लिए हैं। तो अब हम इसको ढक कर रेस्ट पर रख देंगे। केला रेस्ट कर रहा है, तब तक हम मसाला की तैयारी कर लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिए हैं। इसमें डाल लिए हैं 1/4 चम्मच साबुत धनिया, 1/4 चम्मच काला वाला सरसों, आप पीला वाला भी डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच साबुत इसमें जीरा डाल दिए हैं, 1 इंच अदरक डाल दिए हैं, अदरक को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए थे, 5 से 6 लहसुन के कली डाल दिए हैं। लहसुन आप नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। और 3 से 4 इसमें हम हरी मिर्च डाल दिए हैं। हरी मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 7 से 8 इसमें हम काली मिर्च डाल दिए हैं। 2 चम्मच पानी डाल दिए हैं, और जार के ढक्कन बंद करके इसको हम पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए इसको हम पीस कर ले आए हैं, और आप देख सकते हैं इसी तरह के इसका पेस्ट होना चाहिए। और अब हम इस मसाले को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए इस मसाले को हम एक बाउल में निकाल लिए हैं। तो अब हम इस मसाले को साइड में रख देंगे, और फिर से हम सेम जार ले लेंगे जिस जार में मसाला पीसे थे, और इसी मिक्सर जार में हम डाल लेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को यहाँ पर हम मोटे में कट कर लिए थे, और अब हम जार के ढक्कन बंद करके टमाटर को भी पीस लेंगे। तो ये देखिए टमाटर को पीस कर ले आए हैं, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बन गया है। तो टमाटर को साइड में रख देंगे, और अब हम आ गए हैं गैस के तरफ। तो यहाँ गैस पर हम एक कढ़ाई रखे हैं, और इसमें हम 2 चम्मच सरसों के तेल डाले हैं। सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है, आप जो तेल खाते हैं उसमें बना सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम साबुत जीरा डाल दिए हैं, 1 तेज़पत्ता डाल दिए हैं, और 1 इंच इसमें हम दालचीनी डाल दिए हैं, और 1 बड़ी इलायची डालकर इसको चलाते हुए 30 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि इस खारा मसाला का फ्लेवर इस तेल में अच्छे से चला जाएगा। और इसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ के बारीक कटा हुआ प्याज, और अब हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएंगे, यानी कि प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। और ये देखिए इसे 1 से 1.5 मिनट पकाए हैं, और आप देख सकते हैं प्याज के कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में हम डाल लेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम डाल दिए हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर और लाल मिर्च दोनों आप इसी स्टेज पर डालिएगा, यानी कि प्याज और तेल के साथ इस तरह से इसको थोड़ी देर पका लीजिएगा डालकर। इस तरह से पकाने से क्या होगा ना, सब्जी में बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। तो ये देखिए इसको हम 1/2 मिनट तक चलाते हुए पका लिए हैं मीडियम फ्लेम पर,
और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे मसाला, जो मसाला अभी हम पीस कर रखे थे। तो मसाला डालने से पहले इसमें से हम एक चम्मच मसाला निकाल कर साइड में रख देंगे, उसका हम बाद में यूज करेंगे, और बाकी मसाला अभी हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ इसमें हम डाल लेंगे टमाटर के पेस्ट, जो टमाटर अभी हम पीस कर रखे थे। तो ये देखिए इस तरह से टमाटर के पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को चलाते हुए थोड़ी देर पका लेंगे, यानी कि आधा मिनट तक। और इसके बाद अब हम गैस के फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ढक कर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो गया है, तो इसका ढक्कन हटा लिए हैं और आप देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ने लगा है। तो अब हम इसको बिना ढके हुए 1 मिनट और पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जी में मेन मसाला का ही रोल होता है। मसाला अगर अच्छे से तैयार है तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए इसे पकाते हुए 1 मिनट हो गया है, मसाला तेल छोड़ दिया है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें 2 कप पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद इसे हम एक बार चला लेंगे और अब हम इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर ना नमक फ्रेंड्स आप अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, क्योंकि नमक हम पहले से केला में भी डाले हुए हैं। तो अब हम इसको एक बार चला लेंगे, गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे और इस ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ रहा है, तब तक यहाँ पर जो केला ढक के रखे थे उसका ढक्कन हटा लेंगे और 1 चम्मच जो अभी हम मसाला निकाल के रखे थे ना चम्मच में, उस मसाला को इस केले में डाल देंगे। और इसी के साथ इसमें हम 2 चम्मच इसमें बेसन डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल के आटा भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी चीज़ इस केला के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मिलाते हुए इसका मिश्रण हम तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको लेकर चलते हैं गैस के तरफ। तो यहाँ गैस पर एक पैन रखे हैं और इसमें 2 चम्मच हम तेल डाल लिए हैं। और अब इस तरह से पैन को घुमाते हुए तेल को पूरे पैन में फैला लेंगे और गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल को गर्म होते ही जो मिश्रण बनाया है ना, उसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरह से टिक्की के शेप देते हुए इसको हम इस पैन में डाल लेंगे। जितना एक बार में पैन में आ सकता है उतना डाल लेना है। और हाँ, डालते ही इसे नहीं पलटना है, डालने के थोड़ी देर बाद एक एक करके पलट लेंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए सभी साइड गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और ये देखिए सभी साइड इसमें गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी हो गया है। तो इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लिए हैं और इसको लेकर हम आ गए हैं ग्रेवी के तरफ। तो ये देखिए ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आने लगा है, तो इसमें हम इसको डाल देंगे इस टिक्की को। और ग्रेवी में डालने के बाद इसको हम इस तरह से एक बार चला लेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसे ज़रूर डालिएगा। कस्तूरी मेथी को हाथों पर रख कर इस तरह से क्रेस करते हुए डालेंगे ना, तो इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद इसको हम एक बार चला लेंगे, गैस के फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। तो ये देखिए इसे पकाते हुए 4 मिनट हो गया है, इसका ढक्कन हटा लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर एक बार चला लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम बंद करके इसे नीचे उतार कर सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा लाजवाब केले के सब्जी बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।